लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे पास है My i20 एंड इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस कार के अंदर एक डैश कैमरा प्लस रिवर्स कैमरा इंस्टॉल। अब ये जो डैश कैम है बहुत यूनिक है एंड आई रियली लाइक इट। ये हमारा डैश कैमरा है जो गाड़ी के आयर व्यू के ऊपर कुछ ऐसे लग जाता है। इसके पीछे की साइड यहाँ पर एक फ्रंट कैमरा दिया हुआ है जो आगे का रिकॉर्ड करता रहता है, एंड इसी के साथ एक रिवर्स कैमरा आता है जो आपकी गाड़ी के पीछे लग जाता है यहाँ पर। अब उसका दो फंक्शन आते हैं, पहली बात तो वो रियर रिकॉर्डिंग करता है रियर डैश कैम की तरह, एंड देन दूसरी चीज वो आपका रिवर्स कैमरा का भी काम करता है। दैट्स राइट, आप जैसे ही गाड़ी के अंदर रिवर्स गियर लगाएंगे ये कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा एंड आपका रिवर्स कैमरा का काम वो करने वाला है, जो कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। दिस डैश कैम इज द रेड टाइगर T700। इस डैश कैम के ऊपर हमने अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाई थी, एंड ये डैश कैमरा मुझे रेड टाइगर वालों ने ही सेंड किया हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझे बोला है कि आई हैव टू गिव अ अनबायस्ड रिव्यू। तो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस कैमरा की इंस्टॉलेशन एंड फर्स्ट इंप्रेशंस की बात। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आपको याद हो, मेरी गाड़ी के अंदर पहले से एक DDPI का डैश कैम लगा हुआ था, उसकी हार्ड वायरिंग मैंने पहले से करवा रखी थी, तो मुझे हार्ड वायरिंग फिर से करवाने की जरूरत नहीं है, वही हार्ड वायरिंग हमारे काम आ जाएगी। बट DDPI का डैश कैम में जो हमें रियर कैमरा मिलता था हमें वो उतारना पड़ेगा क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं है, तो अभी हम उसकी वायरिंग निकाल रहे हैं। एंड जो ये वाला कैमरा है वो कुछ इस तरीके से गाड़ी के ऊपर लग जाएगा। तो जो पुराना रियर डैश कैम है वो निकल चुका है एंड नए रियर डैश कैम की वायरिंग अब इंस्टॉल होगी। अब रिवर्स कैमरा के अंदर ये वाला एंड तो कैमरा के अंदर लगता है, एंड जो ये रेड वायर निकल रही है ये हमारे रिवर्स लाइट के साथ जुड़ जाती है गाड़ी के अंदर जो लगी हुई है, ताकि वो जब भी हम रिवर्स गियर डालें तो ये कैमरा रिवर्स कैमरा का भी काम करे। लेकिन ये अगर आपको लगवाना है तो आपको अपनी वायर कट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वारंटी वॉइड हो जाती है। तो मैं अपनी गाड़ी के अंदर वायर कट नहीं करवाऊंगा क्योंकि मुझे अपनी वारंटी खराब नहीं कर रही, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बिना वायर कट किए भी आपका ये कैमरा एक रिवर्स कैमरा का कैसे काम करने वाला है, तो वो चीज मैं आपको एंड में दिखाऊंगा जब कैमरा इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बिना कुछ भी गाड़ी के अंदर कोई भी पार्ट खोले वो डायरेक्टली वायर बड़े आराम से अंदर घुस जाती है, तो कोई भी आपको गाड़ी का पार्ट खोलने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं हमारी जो वायर है वो बिल्कुल आगे तक पहुंच चुकी है, लेकिन स्टिल हमारे पास बहुत सारी एक्सेस वायर है जो कि हमें किसी काम का नहीं है। यानी कि अगर आपका कोई बड़ी गाड़ी भी हो तो आपको वायर कभी छोटी नहीं पड़ने वाली। इसकी वायर जो है उसकी लेंथ काफी दे रखी है रेड टाइगर वालों ने। तो ये जितनी भी एक्स्ट्रा वायर है फिलहाल मैं अपनी गाड़ी की ये जो टॉप सीलिंग है उसके अंदर हम एक्स्ट्रा वायर को घुसा देंगे। तो अब फ्रंट कैमरा को लगाने का जो तरीका है, कोई भी आपको IRVM को उतारने की जरूरत या कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एंड दो बैंड दिए हैं, एक यहाँ का लग चुका है, दूसरा वाला हम लगा रहे हैं, एंड बस इतनी आसानी के साथ आपका जो फ्रंट कैमरा है वो लग जाएगा। तो फिलहाल अगर मैं आपको फ्रंट कैमरा दिखाऊं, कुछ इस तरीके से आप उसकी ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे आपको रिकॉर्डिंग पॉज करने का फंक्शन दिया हुआ है, फोटो अगर खींचनी है तो आप वो कर सकते हैं, अगर आपको टच को लॉक करना है तो आप ऐसे कुछ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बट फिलहाल एक बार पूरा कैमरा लग जाए देन मैं आपको इसको अच्छे से बताता हूँ। तो इसी के साथ हमारा फ्रंट पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। अगेन, मेरा जो पुराना डैश कैम था उसकी वजह से हमने हार्ड वायरिंग पहले से करवा रखी थी, तो इसीलिए वो रीयूज हो गई है। अगर आप डैश कैम पहली बार लगवा रहे हैं एंड आपको हार्ड वायरिंग अगर उसकी करवानी है, तब भी वो सिचुएशन जो है वो बहुत ईजी है। आपका जो ये फ्यूज बॉक्स दे रखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके अंदर फ्यूज बॉक्स से पावर ली जाती है, कोई भी आपकी वायर कट नहीं होती, डायरेक्टली फ्यूजेस के अंदर वो लग जाता है, इससे आपकी वारंटी भी वॉइड नहीं होती है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्टली बस इसको फ्यूज को निकालें, वायर निकाल दीजिए एंड फ्यूज वापस लगा दीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर कभी डैश कैम लगा हुआ था। बट एनीवेज, ये आपका यहाँ से वो पावर लेता है, वो डायरेक्टली जो वायर है वो इसके थ्रू अंदर जाते जाते दरवाजे के साइड से जाती है एंड आपके कैमरा के अंदर लग जाती है। तो फ्रंट वाली वायरिंग करनी भी बहुत ईजी है। एंड मान लीजिए कि आपको हार्ड वायरिंग करवानी ही नहीं है, हार्ड वायरिंग ना करवाने से आपके अंदर जो पार्क मॉनिटरिंग है वो बंद हो जाती है। उसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए अभी जैसे मेरी गाड़ी बंद है, बंद गाड़ी के अंदर भी आपका कैमरा ऑन रहता है, ताकि अगर मान लीजिए आपने गाड़ी खड़ी करके पार्क करके आप कहीं चले गए, अगर मान लीजिए पीछे से कोई गाड़ी को कुछ हो जाता है तो भी आप कैमरे की फुटेज को चेक कर सकते हैं। बट अगर आप हार्ड वायरिंग नहीं करवाएंगे तो वो पार्क मॉनिटरिंग वाला फंक्शन बंद हो जाएगा, जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे सिर्फ तभी और तभी ये कैमरा चलेगा। आप वो भी करवा सकते हैं, एंड उसके लिए एक छोटा सा चीज़ दी हुई है रेड टाइगर एंड मेरे पुराने डैश कैम में भी थी, डायरेक्ट आपके कार चार्जर से आप उसको लगा सकते हैं। इसकी भी वायर बहुत लंबी है, ताकि आपकी गाड़ी के साइड से वो वायर चली जाए एंड लगी हुई बुरी ना लगे। तो अगर आपको हार्ड वायरिंग नहीं करवानी तो ये ऑप्शन भी आपके पास है।
अब रिवर्स कैमरा जो है वो गाड़ी के बाहर लगेगा ऑब्वियसली, एंड वायरिंग गाड़ी के अंदर से जाएगी तो सिर्फ एक पोर्शन आपका खुलेगा, दो इनफैक्ट, पीछे वाली लाइट खुल जाएगी क्योंकि लाइट के थ्रू हम वायर डालेंगे तो कोई भी होल नहीं होगा बम्पर के अंदर, एंड आपका जो ये अंदर वाला एरिया है ये पैनल जो है ये खुलेगा ताकि हम वायर को एक्सेस कर सकें, दैट इज़ इट। तो कुछ इस तरह से लग जाएगा आपका कैमरा। अब ये जो है आपका यहाँ पर इस तरीके से सेंटर में थोड़ा फिक्स हो जाएगा। अगेन अगर आपकी गाड़ी अंडर वारंटी नहीं है या फिर आपको वारंटी वॉइड करने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसकी जो वायरिंग है वो रिवर्स लाइट से भी करवा सकते हैं, देन इसका जो काम है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे आप रिवर्स गियर लगाएंगे आपका कैमरा रिवर्स कैमरा का काम ऑटोमेटिकली करेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको वही सेम प्रोसेस बस मैनुअली करना पड़ेगा, फर्क और कुछ नहीं है। तो बॉक्स के अंदर ही आपको इसका माउंटिंग ब्रैकेट देखने को मिल जाएगा कुछ ऐसे, और इससे हम अभी इसको फिक्स कर देंगे। तो इस कैमरा का जो माउंटिंग ब्रैकेट है एक तो कैमरा के ऊपर लगेगा, दूसरा वाला ब्रैकेट आपका लगेगा गाड़ी के बम्पर के ऊपर। उससे होगा ये कि आप इसका एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार जब लग जाएगा तो मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी बैकिंग प्लेट के साथ ये लग चुका है, ये इसका मूवमेंट आर्म है, तो अगर आपको इसकी एंगल थोड़ा एडजस्ट करना हो तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। सो हर एक चीज़ के बारे में सोचा गया है इस डैश कैम को बनाते हुए, विच आई रियली लाइक। सो अब जबकि रियर कैमरा लग चुका है, फ्रंट कैमरा हमारा लग चुका है, बस अब GPS लगाना रहता है। GPS लगाना भी बहुत ईजी है, इसी के अंदर लग जाएगा, एंड इसको स्टोर मैं यहाँ ऊपर कर दूंगा, एंड जस्ट लाइक दैट जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ GPS की वायर है, एंड GPS मैंने रूफ के अंदर उसको घुसा दिया है, कुछ भी उतारने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली बस उसको अंदर प्लेस किया है। सो अब आती है कैमरा की बात, इसको सेट करने की, हर एक लेवल सेट करने की। तो सबसे पहले तो मैं कैमरा बंद कर दूंगा ऐसे, एंड अब आपको ये रिफ्लेक्टिव सर्फेस दिख रहा है जिसके पीछे आप देख सकते हो, तो अब आप अपने शीशे को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए जैसे आप करना चाहते हैं। एक बार ये हो जाएगा देन आप कैमरा को ऑन करिए, एंड नाउ यू कैन एडजस्ट द कैमरा लेवल। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको स्वाइप करने से मैं कैमरा की हाइट एडजस्ट कर सकता हूँ, एंड यहाँ से आप फिजिकली कैमरा की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं कुछ ऐसे। तो कैमरा के एंगल को एक बार आपने एडजस्ट कर लिया है कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल मुझे जैसे ये जो कैमरा है फिलहाल इस एंगल पे अच्छा लग रहा है, लाइक दिस। तो फ्रंट कैमरा जब आपका हो जाए सेट कुछ इस तरीके से, अब रिवर्स कैमरा को सेट करने के लिए आपको बस स्वाइप करना है यहाँ पे, ये आपको दोनों व्यूज दिख रहे हैं फ्रंट वाला एंड रिवर्स वाला। एक बार और स्वाइप करेंगे तो अब आपको रिवर्स वाला दिख जाएगा, एंड मेरे हिसाब से रिवर्स वाला मेरे को अभी जो उसकी पोजीशन है वो बिल्कुल ठीक लग रही है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगेन अगर आपको छेड़ना हो तो आप पीछे से उसको जाके फिजिकली एडजस्ट कर सकते हैं जैसे भी आपको करना हो। उसके अलावा आप कैमरे के एंगल को कुछ इस हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे स्वाइप करके। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को अपना कैमरा एंगल कुछ इस तरीके से रखना हो तो वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ मैं इसको एज अ रिवर्स कैमरा कैसे यूज़ करने वाला हूँ, वो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो अगर मैं इसको IRVM के लिए यूज़ करना चाहता हूँ तो बस ये बटन दबा दीजिए, एंड अभी आपका IRVM का काम कर रहा है क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव है, आपको सब कुछ पीछे दिख रहा है। एंड रिवर्स कैमरा का अगर मेरे को यूज़ करना हो तो मैं क्या करने वाला हूँ वो ये है कि मैं इसकी सेटिंग हमेशा रिवर्स पे ही रखूंगा जो कि अभी है। अगर मेरे को फ्रंट देखना हो तो मैं इसे स्वाइप करके वो आगे भी देख सकता हूँ, बट मैं बाय डिफॉल्ट इसको पीछे की तरफ ही रखूंगा। उससे होगा ये कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे रिवर्स करना है तो जैसे मैं रिवर्स गियर लगाऊंगा, अगर आप वायरिंग करवा लेते तो जैसे आप रिवर्स लगाएंगे ऑटोमेटिकली कैमरा ऐसा हो जाता, मुझे बस ये करना होगा कि ये बटन दबाना होगा जिससे कि कैमरा ऑन हो जाए, एंड इससे मुझे अपना रिवर्स कैमरा दिखता रहेगा, दैट इज इट। टच करने पे आपको यहाँ पर टाइम भी दिखने लग जाता है, ये आपको छोटा सा इंडिकेशन दिया हुआ है कि ये रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, साउंड आप रिकॉर्ड कर रहे हैं या नहीं, एंड कितने मिनट की वीडियो एक बार में ये बनाता है। तो मैंने इसके जो वीडियो लूप रखा है वो 3 मिनट का रखा हुआ है, तो ये हर बार 3 मिनट की वीडियो बनाता है एंड देन फिर नेक्स्ट वीडियो शुरू कर देता है। उसके अलावा यहाँ पर एक कैमरा का बटन आपको दिया हुआ है जिससे कि आप एक फोटो खींच सकते हैं। तो मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसा हुआ है जिसकी आपको फोटो लेनी हो या आपके पीछे कुछ ऐसा हुआ है तो आप फोटो उसकी बड़े आराम से ले सकते हैं। अगर आपको व्यू चेंज करना हो तो एक डेडिकेटेड बटन भी दिया हुआ है उसके लिए। उसके अलावा अगर आपको वीडियो देखनी है कि इसने क्या रिकॉर्ड किया है तो आप इसको पॉज कर सकते हैं, देन आपके पास ये दो चीजें ओपन हो जाती है। यहां पर आप अपनी पिछली रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं सारी जितनी भी इसने कैमरा ने बनाई हुई है। उसके अलावा अगर आपको सेटिंग्स खोलनी है तो यहां से आप सेटिंग्स खोल सकते हैं जिसके अंदर आप 3-4 चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको रियर कैमरा की एडजस्टमेंट करनी है कि ब्राइटनेस कितनी है कैमरा के अंदर वो आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं। रेजोल्यूशन आप कर सकते हैं क्योंकि रियर वाला जो कैमरा है वो आपका 2.7K कैमरा आता है एंड आगे वाला जो आपका कैमरा है वो 4K आता है, तो आप
यहाँ से रेजोल्यूशन उसकी चेंज कर सकते हैं। मूवी क्लिप टाइम जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने 3 मिनट रखा हुआ है वो यहाँ से कर सकते हैं। साउंड रिकॉर्ड अगर आपको करनी है या नहीं अब वो कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैं जब क्लिक करता हूँ इसके ऊपर सिर्फ तभी टाइम आता है, लेकिन मान लीजिए अगर आपको टाइम सारा टाइम दिखाना है तो आप यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हैं, देन टाइम भी आपका सारा टाइम आता रहेगा। उसके अलावा लैंग्वेज अगर आपको सेट करनी है, फ्लिकर अगर आपको सेट करना है, अब यूजुअली क्या होता है कि धूप में हर एक चीज 60 हर्ट्ज़ के अंदर आपको नॉर्मली दिखती है, लेकिन आप कोई LED लाइट जैसे अगर मान लीजिए आपके पीछे कोई गाड़ी आ रही है जिसके ऊपर DRLs लगे हुए हैं एंड DRLs जो है वो LED होते हैं, तो LEDs में आपने देखा होगा नॉर्मली कैमरा के अंदर वो फ्लिकर करते हैं, तो अगर आपको फ्लिकरिंग बंद करनी है तो यहाँ से आप उसको 50 हर्ट्ज़ भी कर सकते हैं जिससे कि वो फ्लिकरिंग जो है वो बंद हो जाएगी। नेक्स्ट आप स्क्रीन सेवर ऑन कर सकते हैं। अब स्क्रीन सेवर से क्या होता है कि आपकी थोड़ी जितनी भी आप इसमें टाइम सेट करेंगे 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना भी आप टाइम सेट करेंगे उसके बाद ये स्क्रीन जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास एक जी सेंसर सेंसिटिविटी आता है जो कि इसका कोलिजन वार्निंग है। अब मैंने इसको ऑफ कर रखा है लेकिन जब आप इसको ऑन करेंगे आप इसको हाई मीडियम या लो सेंसिटिविटी पे रख सकते हैं। उससे होता क्या है कि मान लीजिए अगर आपके आपकी गाड़ी किसी खड्डे में जाती है या फिर आप एकदम से तेज ब्रेक मारते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कैमरा एक फोटो ले लेगा क्योंकि इसको लगता है कि इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है। नेक्स्ट उसके अलावा आप डिफॉल्ट बूट डिस्प्ले ऑन कर सकते हैं। उससे होता यह है कि मैंने जब भी मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करता हूं तो ये हमेशा मुझे रियर कैमरा दिखाता है क्योंकि मैंने सेटिंग रियर कैमरा की कर रखी है। वैसे आप इसको फ्रंट कैमरा एंड फ्रंट एंड रियर दोनों का भी रख सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैं कुछ भी क्लिक कर रहा तो आपने सुना होगा एक बीप की आवाज आती है, तो अगर आपको बीप की आवाज बंद करनी है तो वॉल्यूम से कर सकते हैं। क्लॉक अगर आपको एडजस्ट करनी है तो आप यहां से कर सकते हैं। टाइम स्टाइल अगर आपको चेंज करना है, टाइम जोन अगर आपको चेंज करना है, वो छोटी छोटी चीजें जो आपको एक कैमरा के अंदर होनी चाहिए वो सारी चीजें इस डिस्प्ले में आपको देखने को मिल जाती हैं, जो कि मेरे हिसाब से इज वेरी वेरी गुड। इट इज अ वेल बिल्ट कैमरा, यूज करना बहुत ज्यादा इजी है, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको मनूवर करते हुए। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका काम और आसान करने के लिए इसकी एक मोबाइल ऐप भी आती है। अब ये जो है इसकी कैमरा ऐप है, यहाँ पे आप अपना जो डैश कैम है इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करना बहुत इजी है, ब्लूटूथ और वाईफाई से कनेक्ट होता है। उससे बस होता ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई फाइल है आपको वो इसमें से निकालनी है, वो वीडियो निकालनी है, तो आप डायरेक्टली वाईफाई के थ्रू इसके अंदर उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उससे आपका थोड़ा काम आसान हो जाता है। वरना जो उसके अंदर एक ऊपर SD कार्ड दिया हुआ उसको आप निकाल के अपने कंप्यूटर में तो डाल ही सकते हैं, वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो ओवरऑल वेरी इजी टू यूज कैमरा एंड आई रियली रियली लाइक इट। बाय द वे अगर आप खुद इंटरेस्टेड हैं इस डैश कैम को खरीदने के लिए तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड साथ में एक डिस्काउंट कोड डाल दूंगा जिससे कि आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, सो उसको जरूर चेक करें। एंड सो यही था इस वीडियो में गाइस। इंस्टॉल कर लिया है हमने रेड टाइगर T700 डैश कैम 4K डैश कैम इन आर Hyundai i20। इंस्टॉलेशन वॉज वेरी इजी, मैक्सिमम करने में हमें आधा घंटा लगा है जो कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। रही बात कैमरा की तो मुझे यूजिबिलिटी बहुत इजी लगी। ये जो आइडिया है मेरे डैश कैम का जो कि रिवर्स कैमरा की तरह भी काम करता है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सो ओवरऑल इट्स अ थम्स अप फॉर द फर्स्ट इंप्रेशंस। रही बात इसके लॉन्ग टर्म रिव्यू की तो एक बार हम इसको 10 दिन 15 दिन यूज कर लेंगे तो मैं एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी इसका निकालने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आई सजेस्ट आप अभी कर लें क्योंकि वो वीडियो भी बहुत जल्दी लाइव हो जाएगी। बट यही था इस वीडियो में गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट डाउन बिलो योर थॉट्स ऑन द T700 डैश कैम, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नए नए कंटेंट निकालने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।